सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आपने देखा होगा कि ये हेडफोन जो हम सस्ते वाले यूज़ करते हैं बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, लेकिन होता क्या कि बहुत जल्दी इसकी बैटरी जो है ख़राब होती है, सर्किट इसका कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से सर्किट को यूज़ करके हम किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर को जो है ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। उसके लिए हमें स्पीकर और एम्पलीफायर उसकी तरह यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कितना भी बड़ा स्पीकर हम इस सर्किट से चला सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसमें जो एम्पलीफायर सर्किट मैंने यूज़ किया है उस पर भी ऑलरेडी वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें साथ में मैंने पावर बैंक का जो है सर्किट यूज़ किया है, मोबाइल भी इससे आप इमरजेंसी में चार्ज कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है। तो पूरा मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ये स्पीकर जो है इस सर्किट से ये बनाना है। तो चलिए पहले इसको जो है हम चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये पुश स्विच जो है ब्लूटूथ जिसका जो यहाँ पे जो स्विच रहता था लगा रहता है, तो उसी तरह ये पुश स्विच मैंने बाहर निकाला है, ये वाला नहीं, थोड़ा अलग स्विच मैंने इस पर लगाया है। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, अभी एम्पलीफायर ऑन हुआ है, ब्लूटूथ भी हमारा ऑन हो जाएगा। साउंड इसकी सुन लेंगे, तो स्पीकर हमारा जो है ऑन हो गया है। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ को ऑन करके। ये पेड डिवाइस था ऑलरेडी, इसमें मैंने पहले चलाया हुआ है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा इसमें साउंड आपको आ जाएगी। ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड टू फोन। तो अभी मैं एक सॉन्ग आपको चला के दिखाता हूँ। हम प्ले कर लेते हैं कोई भी सॉन्ग। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी है। साउंड में और बढ़ा देता हूँ इसकी, थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी बढ़िया आवाज इसमें आ रही है। इसी सर्किट से मैंने ये स्पीकर जो है बनाया है। ये देखिए, आप साउंड को भी मैं कम ज्यादा करके आपको दिखा देता हूँ। बंद इसको कर दिया। अभी मैं मोबाइल की साउंड भी आपको सुना देता हूँ। ये मोबाइल की साउंड है। तो ये दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको पावर बैंक भी इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल को भी ये चार्ज कर सकता है। ये उसकी मैंने लगा ली है इसमें, आप देख सकते हैं। और वायर यहाँ पर मैं इसकी यूज़ कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं मोबाइल जो है चार्ज होने लग गया है। तो इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप ये स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी मोबाइल हमारा चार्ज होगा, आप देख सकते हैं। और मैं इसको फिर से निकाल देता हूँ, एक बार फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ ये वायर। आप साउंड भी सुन सकते हैं और सिंबल भी वो देख सकते हैं। और उसी तरीके से हम इसको चार्जर लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो सेल आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, अगर जितना पावर बैंक आपने जो है स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने एक ये ब्लूटूथ हेडफोन ले लिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग कंडीशन में है।
तो चलिए अभी इसको जो है हम खोल लेते हैं पहले ऑफ करके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पीकर इसमें लगा हुआ है, इसमें छोटी सी बैटरी है और उसके बाद जो इसका सर्किट है वो इसके अंदर है, जिसे हम ये जो पोर्शन है इसको खोल के इस सर्किट को, ये कनेक्शन जो है हटाने पड़ेंगे पहले और उसके बाद इस सर्किट को वापस यहाँ पर निकाल लेंगे। तो मैं सर्किट पूरा निकाल के फिर उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसकी बैटरी निकाल दी है और स्पीकर भी इसका निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ से आप निकाल कर जो है सर्किट को निकाल सकते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट है इसका, तो ये इसका पूरा सर्किट है। तो अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक का कैन मैंने ले लिया है। आपने इसको यहाँ से खाली करके बिल्कुल सफाई से निकाल लेना है। उसके बाद हमें एक स्पीकर चाहिए। अब ये स्पीकर थोड़ा सा छोटा है, एक स्पीकर और मेरे पास है। ये स्पीकर इसके पूरी तरह से जो है फिट हो जाएगा। अगर आपका स्पीकर छोटा है तो आप एक कार्डबोर्ड इस तरह से लेकर उसके साथ में इसको लगा सकते हैं। ऊपर से भी स्पीकर रख सकते हैं या नीचे से भी आप ग्लू गन से स्पीकर लगाकर इसकी फिटिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए आपको चाहिए एक एम्पलीफायर। ये सर्किट बोर्ड मैं ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ, इस पर वीडियो मेरी बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्किट डायग्राम को चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके साथ में हमें ये सर्किट चाहिए था जो हमने हमारे जो हेडफोन है उसमें से निकाला है। और यहाँ मैंने जो इसकी स्विच थी जिससे ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करते थे, उसके साथ में एक वायर की कनेक्टिविटी कर ली, क्योंकि इसकी हमारे लिए मुश्किल था इसको ऑन या ऑफ करना। तो इसके साथ हम दूसरा पुश स्विच जो है यूज़ करेंगे। और आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो है वायर का ध्यान रखना है। ये बैटरी की वायर है और ये हमारी स्पीकर की वायर है। तो स्पीकर की वायर जो है एज ए इनपुट हम यूज़ करेंगे और बैटरी की वायर है यहाँ पर हम कॉमन लगाएंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ये पूरे सर्किट आपको डिटेल से मिल जाएगा। और ये जो हम निकाल देंगे जो चार्जिंग सॉकेट था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके लिए साथ में ये यूज़ कर रहे हैं। पावर बैंक का सर्किट जो है काम करेगा, एज ए पावर बैंक भी काम करेगा और एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी आपका ये जो है कैन काम करेगी। तो अगर चार्जिंग के लिए आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, बैटरी को भी ये चार्ज करेगा। हम इसके साथ में बैटरी जो है ये बैटरी यूज़ कर रहे हैं 3.7 वोल्ट का। आप एक या दो बैटरी जितना भी चाहें इसमें डाल सकते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत है कैन के अंदर। तो अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो मैंने चार्जिंग के भी इस बैटरी को जो चार्जिंग करने के लिए कई सर्किट बना रखे हैं, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये सर्किट यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी कनेक्टिविटी जो है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, इसकी जो इनपुट है वहाँ पर हम ये सप्लाई इसको ये कनेक्शन जो है इसके दे देंगे। पूरे कनेक्शन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। पूरे कनेक्शन आपको देखने के लिए इस सर्किट को आपको देखना पड़ेगा, मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और पूरे कनेक्शन एक बार मैं कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों, पूरी कनेक्टिविटी जो मैंने इसकी कर ली है, इसका मैं डायग्राम आपको दे दूँगा किस तरीके से आपने कनेक्टिविटी करनी है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला था, उस जो यहाँ पर स्विच लगा हुआ था इस ब्लूटूथ के अंदर हमारा, उसकी जगह पे सेम हमने कनेक्शन उसी जगह से निकाल के एक अपना पुश स्विच लगा लिया अलग से। और एक इस एम्पलीफायर में एक रजिस्टर मैंने लगाया है पॉजिटिव लाइन के ऊपर 1K का। आप 150 ओम से 1K तक कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि वोल्टेज हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। एक LED जो हमें बताएगा ऑन ऑफ के लिए, ये ऑन ऑफ स्विच मैंने एक लगा लिया है। और साथ में पावर इसको इनपुट इसको देने के लिए और प्लस एज ए पावर बैंक यूज़ करने के लिए ये सर्किट मैंने लगा लिया है। तो चलिए एक बार मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले तो इस बटन को हम जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको सप्लाई दिखा दिया कि हमारा जो है सर्किट जो है ऑन हो गया है, लेकिन अभी ब्लूटूथ जो है ऑन नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए एक अलग से स्विच हमने लगाया हुआ है जो कि इंटरनल रहता है। आप यहाँ पर देखिए ये लाइट अभी यहाँ पर नहीं ऑन हुई है। जैसे ही हम इस स्विच को दबाएँगे, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ सेकेंड के लिए आपने दबाना है और जैसे ही ऑन हो जाएगा आपने स्विच को जो है छोड़ देना है। उस स्विच को साउंड भी यहाँ पर आ चुकी है, साउंड भी आपको सुनगी होगी। तो इसी तरीके से जब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ से दबाकर हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आपको साउंड सुनेगी, मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ। तो देखिए ये जो है ऑफ हो गया है। तो इसी तरीके से फिर से एक बार ऑन कर लेते हैं इसको, तो हमारा सर्किट जो है वर्किंग में है। अब इसके लिए एक तो हमें क्या करना है, ये जो सॉकेट हमारी है इसके लिए हमें यहाँ पर जो है होल करना पड़ेगा कहीं भी। इस स्विच को लगाने के लिए इस स्पीकर को ऊपर हमने फिटिंग करना है, और प्लस एक एलईडी को हम बाहर की तरफ निकालेंगे कि जिससे हमें ऑन ऑफ का जो है पता चलता रहे, और ये वाला स्विच हमने इसमें सेट करना है। तो इस पूरे जो है जो जो चीज़ हमें चाहिए कहाँ कहाँ सेट करनी है, पहले मैं उसके होल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ग्लू गन की मदद से स्विच लगा लिया है, एलईडी लगा लिया है, और ये चार्जिंग और पावर बैंक का जो मॉड्यूल है वो मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं ग्लू गन की मदद से मैंने इसकी पूरी तरह से फिटिंग जो है कर ली है। तो अभी वापस वही कनेक्शन जो हमारी सर्किट प्लेट है और ब्लूटूथ सर्किट है और बैटरी, वो तीनों इसमें डाल के उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों लगभग हर चीज़ की जो फिटिंग है इसमें हो चुकी है। एक पुश स्विच था, ये भी मैंने वायर बाहर निकाल के इसको सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं दोनों सर्किट जो है लग चुके हैं, सेल लग चुका है और स्पीकर भी मैंने लगा दिया है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑन हो गया, एलईडी ऑन हो गया है, लेकिन ब्लूटूथ की अभी लाइट जो है नहीं आई है। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा बटन को, आपको देखिए साउंड भी आ गया और एलईडी भी यहाँ पर ऑन हो रहा है। तो बस अभी मैं इसको थोड़ा टेप लगा कर इसको पूरी अंदर डालकर, जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, ब्लूटूथ का है, बैटरी है और हमारा स्पीकर है, यहाँ पर मैं ग्लू गन की मदद से पूरा सेट कर दूंगा, तो हमारा जो स्पीकर है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको फिटिंग पूरा करके बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों स्पीकर जो है मेरा पूरा रेडी हो चुका है, पूरी फिटिंग मैंने इसमें कर ली है, यहाँ पर ग्लू गन की मदद से स्पीकर को भी फिक्स कर लिया है। तो दोस्तों इसका डेमो जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से ये काम करता है, साउंड क्वालिटी मैं उसकी ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से ऑन करके दिखा। तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर है ये, आप बना सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर के साथ, एम्पलीफायर लगा के आप इस ब्लूटूथ जो सर्किट है उसको लगाकर आप उसे ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।